भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे बंद कर दिया है। इन रुपयों की नोटबंदी तब की गई जब बाजार में 2000 रुपए के नोट एक तरह से दिखने बंद हो गए थे। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। 2000 रुपए को बंद करने पर अब सियासी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं 2000 रुपए के नोटों के बंद होने की टाइमिंग को सियासत के नजरिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटबंदी का असर आने वाले कांग्रेस शासित दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहीं भाजपा शासित मध्य प्रदेश और बीआरएस शासित तेलंगाना के चुनावों पर पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनाव के दौरान पकड़ा जाने वाला कैश इस बात की ओर इशारा करता है कि इलेक्शन में किस तरीके से पैसों से चुनाव मैनेजमेंट होता है। आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट बंद किए जाने को सियासी गलियारों में एक अलग नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि यह नोटबंदी तब हुई जब अगले कुछ महीनों में चार राज्यों में बड़े चुनाव होने हैं। देश में चुनावी सर्वे करवाने वाली और चुनाव के दौरान होने वाले खर्चे पर नजर रखने वाली एक प्रमुख एजेंसी से जुड़े अनिमेश सिंह कहते हैं कि चुनाव के दौरान किस तरह से खर्चे होते हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह बात अलग है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वह सभी खर्चे दिखाने होते हैं, लेकिन यह भी सबको पता है कि एक चुनाव को लड़ने में जमीनी तौर पर कितना खर्च आता है। इसके अलावा कहते हैं कि चुनाव में फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ऐसे में बड़े नोटों के बंद होने से चुनावी फंड मैनेजमेंट पर भी असर पड़ेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक आरपी शुक्ला कहते हैं कि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद यूपी में चुनाव हुए। शुक्रवार को अब 2000 का नोट बंद होने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। उनका कहना है कि यह बात अलग है कि इसको कोई राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसे ही नोटों से फंड मैनेजमेंट से सियासी सरगर्मियों को हवा मिलती है। नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट के अनमोल चतुर्वेदी कहते हैं कि यह चिंता का विषय तो था ही कि आखिर 2000 रुपए की नोट अचानक बाजार से कहां गायब हो गए। चतुर्वेदी कहते हैं कि अब आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा यह कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं इनकम टैक्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनाव के दौरान जब्त होने वाली नकदी इशारा करती है कि किस तरह से चुनाव में अनअकाउंटेड पैसे से चुनावी मैनेजमेंट किया जाता है। किसी भी राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान कैश का पकड़ा जाना सामान्य प्रक्रिया हो गई है। कई बार तो लोग अपने दस्तावेजों को दिखाकर अपने पैसों को बचा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह रकम जब्त हो जाती है। वहीं 2000 के नोट जब बाजार में आए थे तो चर्चा इस बात को लेकर भी सबसे ज्यादा हो रही थी कि क्या इससे काला बाजारी रुकेगी। जिम्मेदार एजेंसियों ने इस बात को भली भांति समझा होगा कि आखिर बाजार से 2000 के नोट अचानक गायब क्यों हो गए। शायद यही वजह रही है कि नोटों को बंद कर दिया गया है। जिन लोगों ने इन बड़े नोटों को रोक कर अपने पास अनअकाउंटेड अमाउंट के तौर पर रखा होगा, उनके लिए तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ने वाली है। ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इन नोटों का असर अलग अलग जगहों पर तो निश्चित तौर पर दिखेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने इस नोटबंदी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी नाकामी बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि उनकी खासियत यही है कि वह सोचते बाद में है और करते पहले। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी नजरिए की वजह से 8 नवंबर 2016 को लागू किया गया तुगलकी फरमान फेल हो गया। इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट को अब चलन से बाहर किया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि यह फैसला गलत था। उनका कहना है कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले से देश के ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बिगड़ी बल्कि देश के लोगों को महीनों लाइन में भी लगना पड़ा। वहीं यूपी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि 2000 रुपए का नोट केंद्र सरकार ने तब बंद किया जब कर्नाटक का चुनाव हार गए। वह कहते हैं कि यह फैसला पहले भी गलत था। आखिरकार इस नोट को बंद करके प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि उनका फैसला गलत था, और गलत फैसले को देर सवेर वापस तो लेना ही पड़ता है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।